फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है निवीरूम। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात कर रहा हूँ, आप अपने फ़ोन में अगर OTG कनेक्ट करते हैं, यानी कि यहाँ से आप वायर वगैरह कनेक्ट करते हैं अपने PC में, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये PC वगैरह है और इसके अंदर आप कनेक्ट करने की कोशिश करते हो तो इसमें कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ कि इसको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं और ये जो सेटिंग होता है इसका क्या मतलब होता है और इसका क्यों मतलब आपका क्यों नहीं कनेक्ट होता है, ये आपको बताने वाला हूँ और इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करेंगे इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे पास टेक्नो का फ़ोन है और किसी भी टेक्नो के फ़ोन में ये फीचर्स मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ ही साथ में इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको सेटिंग में जाना होगा और सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा, लेकिन इसमें आपको वायर लगाना है और अपने PC में कनेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वायर लगा होना चाहिए, जो आपको चार्जर होता है उसी को निकाल के आप उसमें लगा सकते हैं। उसके बाद लगाने के बाद आपको यहाँ पे सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे थीम वाले ऑप्शंस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको थीम वाले ऑप्शंस पे आपको आपको जाना होगा स्टोरेज पे। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ भी नहीं है तो मेरे को लग रहा है मैं भूल गया हूँ। ये रहा कनेक्शन वाले ऑप्शंस पे जाना, इस पर क्लिक करने के बाद OTG का ऑप्शंस आएगा तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद इसको ऑन करने के बाद उसके बाद यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, निकालने के बाद इंसर्ट करेंगे, इसके अंदर लगाएंगे तो आपको आपके कंप्यूटर में शो हो जाएगा फाइल, ठीक है। तो इसी प्रकार से इन फीचर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको ऑन करने के बाद ट्रांसफ़र कर पाएंगे। और यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट कनेक्टेड विद OTG केबल ओवर 10 सेकेंड, मतलब 10 मिनट विल बी टर्न ऑफ ऑटोमेटिकली। तो ये जो सेटिंग है ये इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।